मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। अभी मॉर्निंग हो चुकी है और रुद्र है हमारा, वो सो रहा है हीरा चारपाई में आपको दिख रहा होगा, है ना। जो रिद्धि है वो रॉकर में झूल रही है, बुआ सा उसके पास बैठे हुए, और हम लोग आज जयपुर जा रही हूँ मैं, और हम लोग शायद पापा भी हाफ डे करके आएंगे, पापा ड्यूटी गए हुए हैं, मॉर्निंग में चले गए थे पापा, तो हाफ डे करके आएंगे पापा, 11:30 तक आ जाएंगे, तो वही 12-1 बजे तक हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। तो मुझे बहुत सारा काम करना है, जो पैकिंग है वो करनी है, मतलब वहाँ से तो कर ली थी, बट बच्चों के साथ क्या होता है, अब रुद्र है वॉमिटिंग वगैरह कर देता है, कई चीज़ें ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, सामान साथ रखना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि मैं वापस आऊँगी, है ना, क्योंकि मुझे कुछ काम है जयपुर में अर्जेंट, तो इसलिए भी मैं जा रही हूँ, तो वहाँ कुछ दिन रुक के आऊँगी, फिर वापस ही मुझे छोड़ने आ जाएंगे, तो कुछ सामान नहीं छोड़ के जाना है, कुछ वापस लेके जाऊँगी, अब बच्चों के साथ तो ऑलमोस्ट लेके ही जाना पड़ता है, तो बस अभी मैं चाय पी लेती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, चाय पीऊँगी, चाय सब मैं वही मेरी फेवरेट फैन खाऊँगी, और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। थैली इसमें से ले लूँ, कितना गोबर लेके आना है, कितना गोबर लेके आऊं, अरे कितना लेके आऊं, मेरे हाथ से भरना पड़ेगा तो अभी आपने देखा मैंने थैली ली है और मैं गोबर लेने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, होली के ऊपर ढाल बिड़कले होते हैं जो गोबर के बनते हैं, होली पे चढ़ाए जाते हैं, जब होली का दहन होता है तो वो बहन बेटी बनाती हैं, है ना। तो अभी मैं आई हूँ तो मेरी दादी बोल रही है थैली में गोबर भर के ला पहले तो प्लाट में जाके, और उसके बाद वो थेप हवेली की छत पे जाके, तो मैं वही प्लाट में लेने जा रही हूँ, मेरे काफी सा ऑलरेडी प्लाट में होंगी। एक हमारा ये घर है, ये भी हमारी बैठक है, जो जब मेरे दादोसा एक्सपायर हुए थे, मेरे दादोसा मेनली ना यही रहते थे बैठक में, इसे बैठक बोलते हैं हम, ऊपर हमने अभी बनाया है, तो यहाँ जो भी वो मतलब पॉलिटिक्स में थे चेयरमैन थे, आप यहाँ देख सकते हो चेयरमैन जगदीश सिंह चौहान, तो मेनली जो भी उनके पॉलिटिशियन होते थे सब लोग यहीं आते थे गेस्ट, तो वो मेनली यहीं सोते भी थे, यहीं रहते थे, जब वो एक्सपायर है तो उन्हें यहीं रखा था, और उनके जो बार वगैरह सब यहीं हुआ था, और ये लाइन से इस गली में हमारे पांचों घरों के प्लॉट हैं, मतलब सबकी भैंसें वगैरह बनती हैं, ये जो थर्ड नंबर वाले दादोसा हैं, ऐसे मेरे दादोसा सबसे बड़े थे, एक दादी यहाँ रहती है और एक दादी सा यहाँ रहते हैं, ये उनकी भैंसें जो कि बहुत ज़्यादा मारती हैं, इनका गोबर लेने, तो काकसा ने थैली में गोबर डाल दिया, यहाँ रखा हुआ था, अब मैं इसको लेके जाती हूँ, ये रहा गोबर, चलो बहुत ज़्यादा डाल दिया है, दिक्कत ये आ, तो अब दिक्कत ये आ रही है कि मुझे ढाल बिड़कले बनाने नहीं आता, उनके बनाने नहीं, अब मुझे देखना है कि उसकी शेप कैसे होती है, तो मैं मेरे जो छोटे दादी से हैं उनके प्लाट में जा रही हूँ, उन्होंने वहाँ बना के टांग रखे हैं खूटी पे, तो उसको देख, मेरे जो छोटे वाले दादी से हैं ना उनके प्लॉट में आई हूँ, यहाँ उन्होंने ढाल भिड़कले बना के टांगे हुए हैं, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरी दादी साहब मम्मी जैसे बता रही, मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो बोले कि एक छोटी दादी साहब ने ना बना के टांग रखे खूंटी पे, है ना, तो मैं उनके प्लॉट में आई हूँ यहाँ पे, और ये इन्होंने टांग रखे हैं, देखो ये इस तरीके से बनाने, इस तरीके से, इसे भिड़कले कहते हैं, और ये ढाल हो गई, एक तो इस खूंटी पे टांग रखे, एक इन्होंने इस खूंटी पे भी टांग रखे हैं, ये रे वापस घर जा रही हूँ, देख ले कैसे बनाए तो बना लूँगी, और ये जो ढाल भिड़कले होते हैं ना हमारे होली पे औरतें नहीं जाती हैं, मतलब शाम को जब होली का दहन होता है जलाई जाती है, सिर्फ लेडीज़ दूर से देखती हैं, दिन में पूजा कर देती हैं, अर्घ वगैरह दे देती हैं, है ना, और शाम को जो होती है ना उसमें जेंट्स होते हैं, पूरे गाँव के जेंट्स होते हैं, चक्कर काटते हैं, चक्कर फेरी, ये जो ढाल भिड़कले होते हैं ये जो होली का वो पूरा बनाया जाता है ना उस पर डाले जाते हैं, तो ये जेंट्स होते हैं ना वो डालते हैं ये, तो उनके लिए बनाया जाता है, जो कि बहन बेटी बनाती है, तो मैं बनाऊंगी, अभी मैं आ रखी हूँ, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है इतने सालों में इसीलिए गांव में से बड़ा मज़ा आता है, एकदम शांति है, सुकून है। तो अभी मैंने वहाँ से आके अपनी पैकिंग की, पैकिंग सारी हो गई मेरी, और दोनों बच्चों को नहलाया, पतैया रुद्र मेरा सो गया और रिद्धि दादी के साथ खेल रही है, और अब मैं जा रही हूँ हमारी हवेली में, मैं
भी ले लिया मैंने गोबर। तो ये है हमारी हवेली, इसे पुराना हैंडपम्प है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई दिया, मैं लास्ट टाइम अपने गांव आई थी, आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। यहाँ मैं दादी सा खाना बनाती, अब तो थोड़ा छोड़ दिया, उनकी इतनी हालत नहीं थी, दादू सा दादी सा यहीं बैठा करते थे सर्दियों में, अभी तो बहुत बुरा हाल है। इस हवेली में 5 कमरे, 5 दादोसा है ना, दादोसा 5 भाई हैं, तो ये 5 कमरे हैं। सामने वाला कमरा मेरे दादी सा का है ये, इस तरीके से। और ये हमारे पितृ महाराज हैं, जय हो। तो इनकी मंडी अभी बनी है, मैं अभी मतलब पहले नहीं थी, इस बारे में अभी देखा मैंने, मुझे प्रसाद भी चढ़ाना है। ये हमारा हैंडपम्प है पुराना, ये सब मैं बाद में आपको टूर कराऊँगी। और ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं पुरानी, और ये बगल में हमारा घर रहा, और ये हमारी पूरी हवेली है। ये सामने दूसरे दादोसा का घर है, तो मैंने काकेसा को बुलाया, मेरे साथ बनवा देंगे, तो यहाँ हम बनाएंगे। ये गोबर यहाँ रख देते हैं, और मैं जा रही हूँ आज, देखती हूँ मैं कितने दिनों बाद वापस आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, वो सब आपको आने वाले व्लॉग्स में तो चलेंगे कि मैं वापस जयपुर क्यों जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे मतलब वैसे भी काम है, कोलेब्रेशन है, एड्स करनी है ना, कई चीज़ें हैं, तो फिर इसलिए जाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो काकी सा जाए फिर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि फिर टाइम भी हो रहा है, पापा भी ड्यूटी से जाएंगे, पापा को ना सब्र नहीं रहता आते ही। काकी सा आ गई। और ये हवेली की नहीं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला किनारा बिल्कुल धस चुका है, अगर इस पर मैं चली तो मे भी मैं नीचे ही पड़ जाऊँगा, इसलिए इधर से नहीं जाते हम लोग, उस साइड से जाते हैं। इस साइड से धस गया है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो गिर सकती हूँ, टूटने के आसार हैं इसके, इसलिए वहाँ से जाती हूँ मैं। और फिर यहाँ से कूद के उस घर में चले जाओ, यहाँ से कूद के इस घर में, उस घर में भी जा सकते थे, ऊपर छत से जा सकते हैं। ये आगे मेरी काकी सा, तो मेरे काकी सा तो सारी, तो आप एक दो बना के दिखाओ, फिर बनाऊंगी, पहले ये बनाएंगे, उसके बाद मैं गोबर में हाथ नहीं दे रही, मैं बास हो जाएगी हाथ। तरह से बनाते हैं इस तरीके से, राख है, मिट्टी होनी चाहिए है ना, उसी के नीचे चिपकेंगे नहीं, ये सूखने के बाद हट जाएंगे। मेरे कक्षा को एक्सपीरियंस है, आपने बना लिए? सूख भी गए मार, इनके तो सूख भी गए, हमारे अब बन रहे हैं। इस तरीके से बना के फिर इसमें एक किनारी करनी होती है, बीच में इस तरीके से उंगली से गड्ढा कर देते हैं, बड़ी कर गोबर के हाथ। मेरे काकी साहब मेरे को सिखा रही है ऐसे बनाते, बड़ी करो बस और बड़ी करो, आपकी तो आपकी बड़ी है, गोबर जाती थोड़ी बड़ी करो बस। हाँ किनारा दोनों हाथों से बना, दोनों तो ऐसे करना, ठीक है गोल टाइप में ऐसे तो बना रही हो, पीछे हिस्सा काट दिया, अब ऐसे ऐसे ना, बस 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 बन गए हमारे ढाल भिड़क ले, चलो हो गया। अब मैं नहाऊंगी, मैं रेडी हूँ, क्योंकि पापा आने वाले हैं ना, डांट लगाएंगे, पैकिंग वगैरह हो गई मेरी, हम लोग हो गए बिल्कुल रेडी जाने के लिए, पापा रेडी, मम्मी रेडी, बच्चे रेडी, तो अभी हम पहले पितरों की धोख खा के आ जाते हैं। बेटे रुक जा, मम्मी ने रीति को ले रखा है, चलो। तो ये हमारी हवेली है, और अब चलते हैं। मम्मी खड़े हो जाओ, चलना भी है पापा।
पापा परेशान हो गए मेरा सामान रख रख के। बाय बाय, एक महीने बाद मिलेंगे, ठीक है? एक महीने बाद मिलेंगे हम, एक महीने बाद आएंगे, ठीक है बुआ? राम राम, बाय बाय, चल बाय। तो रो क्यों रही है, अभी आ जाऊंगी मैं एक महीने बाद। अरे एक महीने बाद आ जाऊंगी माँ, रो मत। अरे आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, आ जा आ जा, रो मत तो। हाँ एक महीने बाद, बाय बाय, चल गया। हम लोग रवाना हो गए, मम्मी पीछे बैठी है, रिद्धि को कार सीट पे लेटा दिया हमने, और रुद्र मेरे पास सो रहा है मेरी गोदी में। मम्मी दादी थोड़ी इमोशनल हो गई, हमेशा ही हो जाती हूँ, पर हम अभी आ जाएंगे एक महीने बाद वापस। तो हम लोग अभी रास्ते में रेस्टोरेंट में रुके कुछ खाने के लिए, और बच्चों की भी थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी, ये बैठे बैठे ये भी थक गए और हम भी थक गए। हम कुछ खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं जब भी फीड कराती हूँ मेरी भूख जग जाती है। लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया, रही वेट कर रहे हैं, और मम्मी के पास रुद्र है और रिद्धि को हमने यहाँ ये जो कैरी कोट है और मतलब कार सीट भी दोनों काम करती है इस पर लेटा रखा है। सीरियसली ये मस्ट है, जो अगर आपके पास ट्विंस है या सिंगल बेबी भी है तो ये रखना चाहिए, ट्रैवल में बहुत ईजी रहता है आपके लिए। हमारे तो दो हैं, तो दो तो थोड़ा हो जाता है गाड़ी में, अगर हम दो कैरी कोट, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि दो दूसरे के लिए मंगा लूँ, बट दो बच्चों के लिए एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप कब तक गोद में रखोगे, बच्चे भी परेशान हो जाते, आप भी परेशान हो जाओगे। तो ये बेस्ट में दिखाती हूँ, रिद्धि इतने मस्त तरीके से पूरी रस्ते सोती रही है इसमें, और रुद्र कभी मेरी गोदी में था कभी मम्मी की गोदी में था। तो अब आधे रास्ते में इसमें रुद्र को लेटाऊंगी और रिद्धि को गोद में ले लूँगी। मेरी रिद्धि आराम से इसमें लेटी हुई है, सोते पूरे रास्ते सोती हुई है, और रुद्र मम्मी के पास है। ये रहा रुद्र, रुद्र देखो, रुद्र देखो, ओले मिले लड्डू। हाँ हाँ मैं बीतू, ऑलमोस्ट घर पहुँच ही गए। हाँ एक मिनट बेटा, पहुँच ही गए। बच्चे डायपर में परेशान हो रहे हैं, अगर जल्दी से पहले इनका डायपर बदलूंगी, और पापा भी फ्रूट्स ले रहे हैं, पापा तो पापा भी फ्रूट्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे रिवाज है जब भी किसी घर जाते हैं या आते हैं तो हमेशा फ्रूट्स या कुछ मिठाई लेके जाते हैं सून का। तो पापा वही मेरे घर मतलब लेके जा रहे हैं मिठाई, वो फ्रूट्स वगैरह लेके जा रहे हैं मेरे घर के लिए। इसके बाद कोमल घर जाएंगे तो उसके लिए भी फ्रूट्स ले रहे हैं। नानी के पास, हम लोग पहुँच गए, पापा भी खड़ा है इंतजार में, वेलकम में। अरे वाह यार, भूल गया भाई, मैं तो भूल गया। स्वामी से बातें कर रहे हैं, आओ मनी को लगे थे, मन लागो, हाँ मन लागो बेटा, पहले भी बीटू मेरे रिद्धू, दे देना।